हेलो एवरीवन, ये है हमारी एमएस यूनिवर्सिटी, द महाराजा सयाजीराव यूनिवर्सिटी ऑफ बड़ौदा, वडोदरा। कहा जाता है कि ये गुजरात की सबसे पुरानी और सबसे अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में से एक है। यही सुन के, इसी के ख्वाब देख के, बहुत मेहनत करके हमने इसमें एडमिशन लिया। फैकल्टी ऑफ टेक्नोलॉजी एंड इंजीनियरिंग, जिसे प्यार से सब टेको कहते हैं, और वो भी किस ब्रांच में? मेटलर्जिकल एंड मटीरियल्स इंजीनियरिंग, द ब्रांच विच इज नोन एज द मदर ऑफ ऑल द इंजीनियरिंग ब्रांचेस। और कुछ इस तरह भी हमारी शुरुआत। क्लास में एंटर होना और आखिरी बेंच पे जाके बैठना। शुरुआत शुरुआत में बहुत फुल स्ट्रेंथ होती थी, जो आखिर आखिर में घटते घटते बस 2-3 स्टूडेंट्स बचते थे। और डाउट तो किसी को होते ही नहीं थे, और अगर होते थे तो कुछ इस तरह से। और देखते ही देखते आ जाते थे सबमिशंस। फिर क्या, वही एक पेज, एक प्रिंट आउट, एक डायग्राम के लिए 4-5 लोगों का झगड़ना। और क्या यार, कुछ लोग तो पैदा ही होते हैं झगड़ने के लिए, देख लो यहीं। फिर क्या था, पढ़ाई के अलावा और सब कुछ करते हुए हम पहुंच गए फाइनल ईयर में। तब तक हमने ये रियलाइज कर लिया था कि हम इंजीनियरिंग नहीं पढ़ रहे, बल्कि इंजीनियरिंग हमें पढ़ा रही है। और इंजीनियरिंग है तो लेक्चर्स हैं, और लेक्चर्स है तो ऑब्वियसली प्रॉक्सीज तो होंगी ही, और प्रॉक्सीज भरता था हमारा वन मैन आर्मी। कभी कभी जानबूझ के लेट आना था, बिकॉज लेक्चर्स अटेंड करने में बड़ी मुश्किल होती थी। और ये होते हैं हमारे लेक्चर्स, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, ट्विटर, IPL, फुटबॉल, व्हाट नॉट। यस, एंड द लॉ ऑफ एग्जाम सेज, एग्जाम से पहले जितना बेंच पे लिखा जाता है, उतना तो आंसर शीट में भी नहीं लिखा जाता। वेल, फिर क्या था, इतना लिखते थे कि दूसरे ही दिन बेंच चेंज। बर्थडे। मैं, तू, मेरे यार, तेरे फ्रेंड्स, तेरी गर्लफ्रेंड, तेरी एक्स, तेरी गर्लफ्रेंड का एक्स, क्यों हो गए सारे जंगली, क्यों हो गए सारे जंगली, क्यों हो गए, हो गए, हो गए, हो गए, हो गए सारे जंगली इकट्ठे। मिनी मिलिशिया तो इतना खेला है जितना बाकी 4 साल में कुछ नहीं किया, और इसमें गोली कम, गाली ज्यादा यूज कर। कैंपस प्लेसमेंट्स, वेल, कंपनी तो बहुत आई, पर हमारा इनसे रिश्ता बस रिटर्न या GD तक का ही था। उसके बाद हार्डली 2-4 लोग PI तक पहुंचते थे। एंड PIs वर डेफिनेटली हिलेरियस। लेट्स सी, स्कॉलर्स यूज्ड टू आंसर एवरीथिंग, उनके PIs वर द बेस्ट। अदर्स, किसी के पसीने छूटते थे, किसी को पानी ऑफर किया जाता था,
कोई कोई इंटरव्यूअर तो इतना पूछते थे कि मानो यार उन्हीं की जॉब छीनने हम यहां बैठे हैं, और कई बार तो किसी किसी के रेज्यूमेस भी उड़ते थे। और बड़ी मेहनत बड़ी जहमत के बाद कुछ लोग सिलेक्ट होते थे, और सिलेक्शन के बाद का नजारा कुछ यूं होता था। जब कोई बात